देश में सुस्ती का दौर जारी है। एक एक कर देश की नामी कंपनियों पर मंदी का असर साफ नजर आ रहा है। आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही इकोनॉमी की वजह से कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच रही हैं, तो कई बंद हो चुकी हैं। हाल ही में 178 साल पुरानी ब्रिटिश टूर ऑपरेटर कंपनी थॉमस कुक फंड की कमी के चलते बंद हो चुकी है। अब रेल प्रशासन परेल वर्कशॉप को बंद करने की तैयारी में है। सोमवार को मध्य रेल प्रशासन ने परेल वर्कशॉप के 715 अधिकारियों और कर्मचारियों का बाड़नेरा में अस्थायी तौर पर तबादला करने का फैसला किया है। इस वजह से रेल प्रशासन में गुस्सा है। उनका मानना है कि रेल प्रशासन 140 साल पुराने परेल वर्कशॉप को बंद करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इसी वजह से उनके तबादले का फैसला लिया गया है। रेल कर्मचारियों के मुताबिक एक समय परेल वर्कशॉप में हजारों कर्मचारी थे। वर्तमान में जितने कर्मचारी रह गए हैं उनका भी अस्थायी तौर पर तबादला किया जा रहा है। अगर ये तबादले हो गए तो उनमें से कुछ कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। रेल कर्मचारियों की ये नाराजगी तब सामने आई जब रेल प्रशासन ने 715 अधिकारियों और कर्मचारियों का बाड़नेरा में अस्थायी तौर पर एक साल के लिए तबादला करने का निर्णय लिया है। रेल प्रशासन परेल वर्कशॉप को बंद करना चाहता है। वो लंबे समय से इसकी योजना बना रहा है। मध्य मुंबई में परेल वर्कशॉप की जमीन बेशकीमती है। उसको देखते हुए परेल वर्कशॉप को बंद करने का खेल चल रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं इस तरह धीरे धीरे जो देश की कंपनियां और कारखाने बंद हो रहे हैं उससे सरकार का मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा, ये सोचने वाली बात है।